कल ही हमने अपने अखरोट तोड़े, हमारा छोटा सा एक पेड़ है अखरोट का, तो कल ही हमने तोड़ा। देखिए आप अखरोट, अखरोट का भी हम आनंद लेंगे। और अपने गार्डन की चीजें तो खैर आनंददायक होती ही है, बहुत ही अच्छी होती हैं, तो इसी तरह से हम अपने गार्डन को भी तैयार करें और गार्डन से ताजी सब्जियां, ताजे फल और अखरोट, तमाम चीजें हम खा सकते हैं और खाएं। और ये हमारा, ये आप देखिए, ये अखरोट है। डॉक्टर किशन राणा, तहसील सस्ता मैं काम करता हूँ और इसका मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। साथियों, मैं आज फिर पुनः आपको एक बार रक्षाबंधन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, सभी साथियों को, सभी भाई बहनों को और हमारे मित्रों को जो देश विदेश में, बहुत शुभकामनाएं सबको। और मैं आज गार्डन से, मैं आज तुरई और ककड़ी जो पीली हो गई है, इसका रायता बनेगा जायकेदार, ये मैं तोड़ के लाया हूँ। और मैं भी आपको और सब्जियां अपने गार्डन की दिखाऊंगा जो मैं आज तोड़ के लाया हूँ। साथियों, इस वर्ष 2021 का अब हम किसान कार्यक्रम, जो श्रम का सम्मान, हमने जो उत्तराखंड की महिलाओं के जो सम्मान का कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया है। और वो तीन चरणों में होता है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तीसरा चरण। प्रथम चरण का कार्यक्रम जो गांव में जाने का, मीटिंग करने का, माताओं के साथ बात करने का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। और अब दूसरा कार्यक्रम है जो गांव में जाकर के खुद उनको कार्यक्रम कराना, और जो उत्तराखंड की जो किसान बहनें हैं, जो माताएं हैं, हम उनसे घास काटने का भी एक कार्यक्रम करते हैं। जो वास्तव में किसान होती है वो घास काटने का काम जानती है, पशु का काम करती है, जंगल खेती का काम करती है, जंगल का काम करती है। तो उसी क्रम में तो एक किसान कार्यक्रम है उनके माताओं के सम्मान का। आज दूसरे चरण का कार्यक्रम, आज मैं सामने दूर उधर एक गांव है, उधर गांव दिख रहे हैं, वो गांव में जा रहा हूँ, उधर टॉप के गांव में जा रहा हूँ। वहाँ आज महिलाओं के बीच में मीटिंग है और दूसरे चरण का कार्यक्रम है, किसान कार्यक्रम, और घास काटने का कार्यक्रम है, फिर मैं बाद में दिखाऊंगा। आज से शुरू हो गया है। इस बार सबसे बड़ी बात है, इस बार हमने दो जिलों में यह कार्यक्रम किया है। एक तो उत्तराखंड के हम डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर में ये कार्यक्रम करते हैं, और इस बार हमने उत्तराखंड के जो जिला अल्मोड़ा है वहाँ पर भी यह कार्यक्रम किया है। दो जिलों में यह कार्यक्रम होगा और अंततः तीन दिवसीय यह कार्यक्रम होगा इस बार, जो हितैषी सस्ता में होगा दो दिन का, और तीसरे दिन का जो पुरस्कार वितरण और हमारे गीत, झोले, चाचरी, छपेली, जो नृत्य होगा, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, महिलाएं अपने कार्य काम के बारे में बोलेंगी, अपने किसान के बारे में बोलेंगी, वो इस बार कौशानी अनाशक्ति आश्रम में होगा। और वहीं पर ये सब तीन दिवसीय कार्यक्रम होगा कौशानी में। तो उसकी रूपरेखा, उसकी तैयारी पिछले 4-5 महीनों से चल रही थी, और आज दूसरे चरण का कार्यक्रम आज से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूँ ये रक्षाबंधन की। सामने देखो साथियों, ये भी एक छोटी सी पौधा दिख रहा है, ये है जखिए का पौधा। इसका जो हमारे उत्तराखंड में ये बहुत ही प्रसिद्ध है, इसका जो इसका तड़का दाल में लगाया जाता है, आलू के गुटके में, इसका मतलब हर जगह इसका बहुत ही उपयोग है, बहुत ही गुणकारी है, औषधि रूप में इसका इस्तेमाल होता है। और ये प्रत्येक उत्तराखंडी के घर में, गार्डन में ये पेड़, ये पौधा और इसका बीज और ये जो तड़के के रूप में ये इसका इस्तेमाल होता है, ये जखिए का पौधा है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, आज सुबह हमारे गार्डन से हमने ये चीजें, जैसे भुट्टा है, ये आम है, ये हमारे आम की ये पेड़ है यहाँ पर दो तीन, तो एक तो छोटी वैरायटी का है, एक बड़ी वैरायटी का है, ये भी आज हमने सुबह इसी गार्डन से, इसी हम पेड़ से हमने तोड़ा। और ये छोटी वैरायटी का, ये छोटी वैरायटी का आम है, छोटा सा है, और ये दूसरे पेड़ का आम है, ये वाला, ये उधर स्कूल के पास ये लगा था। और ये बैगन, और आज दो हमने लौकी भी तोड़ी अभी सुबह सुबह, और इतनी सारी हमने तुरई भी आज हमने तोड़ी, आज तुरई की सब्जी भी बनेगी दिन में अभी चावल के साथ। और फिर ये करेले, ये मैं अपने माताजी के लिए ले जाऊंगा, आज गांव में अभी जाने वाला हूँ, माताजी बनाएंगे, अभी एक आध और ढूंढता हूँ तो फिर माँ के लिए हो जाएगा, सब्जी बन जाएगी आज। और ये भुट्टे, और ये फिर अंततः हमने आज ये भिंडी तोड़ी, अभी ताजी भिंडियाँ हैं, और ये तुरई मेरे पास है। और मैंने आपको फिर ये पीली ककड़ी तो दिखाई दी है। साथियों, आप सबको बहुत धन्यवाद, मुबारक रक्षाबंधन। इसी तरह आपके जीवन में, भाई बहनों के जीवन में यह त्योहार, यह पर्व आता रहे, आप खुशियों से अपने भाई बहन जो है इसको मनाते रहें, यह दिन, यह अवसर, यह अवसर भी आपके जीवन में आता रहे कि आप ताजी सब्जियां खाएं एकदम, और बीमारियों से मुक्त रहें, जैविक खेती की तरफ जाएं, जैविक गार्डनिंग की तरफ जाएं, जिससे कि हम खाद से, रासायनिक खाद से मुक्त होवे, और जैविक खेती अगर से हम जुड़ेंगे तो हम निश्चित ही स्वस्थ रहेंगे और भरपूर आपको स्वाद मिलेगा,
थैंक यू दोस्तों। अब मैं जा रहा हूँ गांव डुमलोट में, जो जो महिलाओं के श्रम का सम्मान का जो कार्यक्रम है, किसान कार्यक्रम है, आज से आगाज हो गया है। आज किसान कार्यक्रम का ये प्रथम दिवस है दोनाई घाटी में, और इस साल दो जिलों में, बागेश्वर और अल्मोड़ा में हम ये कार्यक्रम श्रम का सम्मान किसान कार्यक्रम कर रहे हैं। और सभी महिलाएं तैयार हैं घास काटने के लिए अपने दराती के साथ, और हमने इनको नियम बता दिए हैं क्या नियम है। और इन जो करीब 12-14 महिलाएं यहाँ हैं, इसमें से केवल 3 महिलाएं फाइनल में जाएंगी यहाँ से, और 2 मिनट या 3 मिनट का कार्यक्रम होगा, उसमें फिर चयन होगा। और हम अब शुरुआत करेंगे थोड़ी देर में ग्राम सभा डुमलोट कौसानी के पास का गांव जिला बागेश्वर से। ये डुमलोट गांव में कार्यक्रम होने के बाद अब जो है यहाँ गाँव से 3 महिलाओं का चयन होगा, और अभी आप देखेंगे। उसके साथ साथ प्रत्येक गांव में ये सब प्रक्रिया होने के बाद जो दूसरा चरण और तीसरा चरण का कार्यक्रम फिर कौसानी अनाशक्ति आश्रम में होगा। उसमें हमारे देश के तमाम जो सामाजिक लोग हैं, जो इस जल जंगल जमीन से जुड़े लोग हैं, जो कर्मठ लोग हैं, वो इस कार्यक्रम में आएंगे और इसमें प्रतिभाग करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस कार्यक्रम में आएँ और श्रम के सम्मान और के कार्यक्रम में आप लोग जुड़े और किसानों को सहयोग करें, सम्मानित करें। डुमलोट गांव में हमारी 3 महिलाएं जो इस बार जो निकली, जो विनर रही, वो ममता देवी, गीता नेगी और रूपा देवी, 3 महिलाएं जो बीच में बैठी हैं वो निकली और वो विजयी रही आज। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये काम पसंद आता है तो ज़रूर आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ आप इन वीडियोज के माध्यम से अपने पहाड़ से, अपने गाँव से, अपनी मातृशक्ति से जुड़े रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।